पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। टाटानगर स्टेशन में 3 शिफ्ट में हो रही जांच के दौरान लगातार पॉजिटिव की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। उधर कोरोना योद्धाओं के द्वारा जांच के दौरान किसी में कोई कोरोना सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है। सोमवार को सप्ताह में 3 दिन चलने वाली साउथ के ट्रेन टाटानगर स्टेशन पहुँचने पर ए शिफ्ट में जांच के दौरान 110 पॉजिटिव मामले में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जबकि बी शिफ्ट और सी शिफ्ट अभी बाकी है। जांच के दौरान यात्रियों में लगातार पॉजिटिव मिल रही है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं दिख रही है। हम लोगों ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में रखा हुआ है और डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग चेक कर रहे हैं, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कंटिन्यू हम लोग चेक कर रहे हैं। आज कितना पॉजिटिव मिला है सुबह? अभी तक 110 के आसपास पॉजिटिव निकल गया है। 1050 टेस्ट हुआ, उसमें 110 पॉजिटिव निकल गया। अभी तक 1 बजे तक का जो रिपोर्ट चल रहा है 12:30 का, 110 पॉजिटिव है और 150 टेस्ट हुआ है। रात तक देखते हैं, सी शिफ्ट तक हमारा ड्यूटी है, हम लोग सी शिफ्ट तक चलता है, तीनों शिफ्ट चलता है, रात तक देखते हैं कितना आता है। तो क्या लगता है कि पहले से पॉजिटिव बढ़ रहा है? काफ़ी बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। जांच के दौरान जिसका शहर में आइसोलेट में रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, उनको MGM अस्पताल भेजा जा रहा है, जबकि अन्य को उनके परिवार स्टेशन पहुंचने पर अपने गाड़ी से उनके आवास से भेजा जा रहा है ताकि घर में ही आइसोलेट हो सके। उधर कोरोना योद्धा विनोद यादव के अनुसार सोमवार को ए शिफ्ट में ही 110 पॉजिटिव पाया गया। शहर के बाहर के लोगों को एम्बुलेंस के सहारे इलाज के लिए MGM अस्पताल भेजा गया। उन्होंने आम लोगों से मास्क पहनकर दूरी बनाकर रखने की अपील की।